हेलो मॉमीज, आज जो मेरी वीडियो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे जो हम सेरेलेक देते हैं, अगर हमें बाहर का सेरेलेक नहीं देना बच्चों को तो हम घर में सेरेलेक बना सकते हैं, होममेड सेरेलेक। हम बहुत सारी चीज़ों से सेरेलेक बना सकते हैं और बच्चों को फीड कर सकते हैं। और ये मोस्टली हम सेरेलेक स्टार्ट करते हैं जब बच्चा सॉलिड खाने लग जाता है, 6 मंथ प्लस बच्चों, या 6 मंथ या 6 मंथ प्लस बच्चों के लिए। मैंने स्टार्टिंग में पवित को मैंने सेरेलेक घर में ही बनाया था, जैसे मैं मेथड आपको सिखाऊंगी वैसे ही बनाया था, स्टोर करके रखा था। बट जब हम ट्रैवल करने जाते थे तब मैंने बाहर का सेरेलेक इंट्रोड्यूस करा था। मोस्टली मैं घर में ही बनाती थी उसके लिए सेरेलेक। मेरी आगे वीडियोस होंगी उसमें आपको पता चलेगा, उसमें रेसिपी पता चलेगी कि सेरेलेक कैसे बनाते हैं। मैंने दाल मिक्स एंड राइस मिक्स का सेरेलेक इंट्रोड्यूस करा था। ये 2 चम्मच चावल लिए है मैंने और उसको भिगो के रख दिया है, और ये 2 चम्मच मूंग की दाल ली है, इसे मैंने भिगो के रख दिया है। एटलीस्ट आपको 1 घंटा दोनों को भिगो के रखना है ताकि ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए इसमें पानी, और फिर हम इसे अच्छे से छानेंगे रनिंग वाटर में और फिर हम इसे अच्छे से सुखा देंगे। अब हमने चावल को अच्छे से साफ़ करके इस कपड़े के ऊपर रख दिया है ताकि सारा पानी कपड़ा सोख ले, और ऐसे ही हमने मूंग की दाल को भी अच्छे से साफ़ कर लिया है पानी से और इस कपड़े के ऊपर रख दिया है ताकि ये अच्छे से साफ़ हो जाए और अच्छे से पानी सोख ले। और थोड़ी देर हम फैन चला के एटलीस्ट 1/2 आवर तक हम इसे रखेंगे ताकि ये सूख जाए बिल्कुल, और फैन चला के फिर हम इन्हें रोस्ट करेंगे और फिर हम इन्हें मिक्सी में पीसेंगे। हम ये प्रोसेस, हम सुखाने वाला प्रोसेस बाहर भी कर सकते हैं, आउटसाइड भी कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये आती है कि आउटसाइड में कबूतर आते हैं तो थोड़ी अनहाइजीनिक हो जाती है चीज़ें, क्योंकि आप बेबी के लिए कर रहे हो, तो इसलिए हम प्रेफर ये करते हैं कि आप इनडोर में ही इस चीज़ को सुखाओ। अब ये चावल को हम अच्छे से भूनेंगे, थोड़ा सा रोस्ट करेंगे ताकि इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो हट जाए, और फिर हम इसको मिक्सी में पीसेंगे। अब ये पूरी तरह इसका पानी निकल गया है, अब हम इसको अच्छे से रोस्ट भी हो गई है, ब्राउनिश में हो गई है, अब इसे हम पीसेंगे ताकि एक पाउडर के फॉर्म में बन जाए। इसको मिक्सी के जार में डाल लिया है और अब हम इसको पीसेंगे। पाउडर फॉर्म में हो गई है, ये देखो पाउडर फॉर्म में हो गई है। अब हम अपनी दाल को अच्छे से रोस्ट करेंगे ताकि इसका पानी निकल जाए और थोड़ी डार्क ब्राउन, थोड़ी ब्राउनिश हो जाएगी, इसका मतलब हो जाएगी, और फिर हम इसे उसी की तरह पीसेंगे और फिर पाउडर फॉर्म में बना लेंगे। अब हमारी दाल अच्छे से भून गई है, ब्राउनिश हो गई है थोड़ी सी, थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है। अब इसको हम अच्छे से भून के फिर मिक्सी में डाल के पीस देंगे। अब ये दोनों पाउडर फॉर्म में हो गई है, चावल की, ये चावल है और ये दाल है, दोनों पाउडर फॉर्म में हो गया है। अब हम कैसे देंगे बच्चों को वो जानते हैं। पहला, अगर आपको खाली राइस बेस देना है तो आप क्या कर सकते हैं, 2 चम्मच राइस या जितना आपका बेबी खा सकता है, 2 या 3 चम्मच, ये फॉर्मूला स्पून चम्मच ही है हमारे पास, वो लेंगे और बॉइल्ड पानी जो होता है हमारा उसको थोड़ा सा मैंने ठंडा रख दिया है, वो मिक्स करके बच्चे को दे देंगे लाइक दिस। इसको जितना आपका बेबी खाता है उसके अकॉर्डिंग आप ये करें, और वही स्पून आप पानी में ऐसे करते मिक्स, जितना आपका बेबी खाता है उसके अकॉर्डिंग। थोड़ा सा और मिला दो क्योंकि थोड़ा पतला हो गया था, तो जैसे ही जितना भी आपका बेबी खाता है उसके अकॉर्डिंग आप कंसिस्टेंसी बना सकते हैं। ये चावल बेस हो गया, और अगर आपको
दाल पेस करना है, तो आप क्या करेंगे कि ऐसे ही आप दाल लेंगे, एक दो एंड तीन, और ऐसे ही आप पानी मिक्स करेंगे। वो पानी आप अपने अकॉर्डिंग मिक्स कर सकते हैं कि बच्चे को पतला खिलाना है या थोड़ा गाढ़ा, तो आप उसके अकॉर्डिंग पानी मिक्स कर सकते हैं। तो ये दाल बेस हो गया। एंड लास्ट इज, अगर आपको दोनों मिक्स करके खिलाना है तो आप वो क्या कर सकते हैं कि आप दो चम्मच दाल, ऐसे दो चम्मच चावल का मिक्सर और पानी, वो पानी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो ये रेडी हो गया मिक्सर। सो ये चावल बेस है, ये दाल बेस है, ये दाल एंड चावल बेस मिक्स हो गया। अब आपने इन वीडियो में देखा कि हमने सेरेलेक कैसे बनाया। तो मैंने दाल मूंग की दाल ली और राइस लिया, उसका सेरेलेक बनाया और बच्चों को दिया। तो आप कोई भी मिक्सर का बना सकते हो, आप ओट्स मिक्सर बना सकते हो, उसको रोस्ट कर लो अच्छे से, फिर मिक्सी में पीस लो। आप मखाने का बना सकते हो, मखाने को अच्छे से रोस्ट कर लो, मिक्सी में पीस लो, काजू बादाम ये डाल के। आप कोई और मूंग की दाल, जो ग्रीन वाली हरी दाल आती है, उसका बना सकते हो आप। एंड आप अगर कोई बच्चों को टेस्ट, आप दलिए का बना सकते हो, आप कोई भी मिक्सर बना सकते हो। और बच्चों को अगर टेस्टी नहीं लगता तो आप इसमें थोड़ा सा नमक डाल सकते हो, अगर नमक बनाना है, नमकीन बनाना है, थोड़ा सा खांड ऐड कर सकते हो अगर आपको मीठा बनाना है। सो मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी कि आप क्या क्या टिप्स यूज़ कर सकते हो ये सेरेलेक के लिए। तो पहला, जब भी आप बच्चे के लिए कोई भी चीज़ बनाते हो तो आपके हैंड सैनिटाइज होने चाहिए, वॉश्ड होने चाहिए, पूरे किचन यूटेंसिल्स पूरे वॉश्ड होने चाहिए, साफ़ कपड़ा यूज़ करें। सेकंड, मैंने ये छोटी क्वांटिटी में बनाया था, आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकते हो और फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो, या बाहर एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हो। मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये 15 डेज चलता है, आप कोई भी मिक्सर बनाओगे 15 डेज आराम से चल जाएगा, और आप ट्रैवलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। थर्ड, आप ट्रैवलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। मतलब मैंने क्या करा था, एक बार मेरे को नॉर्मल कहीं जाना था, एक दिन का था, मैं उसके लिए सेरेलेक का डब्बा तो लूँगी नहीं, तो मैंने क्या करा था, जो भी मैंने एक टाइट कंटेनर में मखाने का मिक्सर रख लिया था, एक टाइट कंटेनर में राइस एंड दाल का मिक्सर रख लिया था, एंड एक टाइट कंटेनर में मैंने ओट्स का मिक्सर रख लिया था। तो गर्म पानी में ईजिली आप मिला के दे दो बच्चों को, तो बहुत ईजी रहता है। आप मखाना और ओट्स तो आप दूध में भी मिला के दे सकते हो बच्चों को ईजिली, बहुत हेल्दी रहता है बच्चों के लिए, और इजी आराम से फीड कर सकते हैं बच्चे। सो आपने क्या क्या इंट्रोड्यूस करा बच्चों को, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर, और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट माय चैनल कनिका एंड पवित शो, एंड एन्जॉय वॉचिंग, एंड आई लव टू शेयर ऑल वीडियोज़ एंड ऑल एक्सपीरियंस विद यू। थैंक यू guys, please like, share and subscribe our channel Kanika and Pavit Show, and keep watching our videos and enjoy. Thank you.